नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोराघु चैनल में एक बार फिर से। अपनी लाइफ में अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्रयोग हम बता रहे हैं, उसे ज़रूर कीजिएगा। एक ऐसी चीज़ है घर में होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग होती है, फिटकरी है उसका नाम। और ये जो है धन प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसको जो है नज़र दोष दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से बचने के लिए फिटकरी का प्रयोग होता है। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है और इसके सहारे कई समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि फिटकरी का खून रोकने से लेकर के पानी साफ करने तक का उपयोग होता है। कई भारतीय घरों में फिटकरी का यूज होता है। तो चलिए हम बताते हैं, आपको कई बार ऐसा होता है कि आपका कई बार नौकरी व्यापार नहीं चलता, आप परेशान हो जाते हैं, तब आप क्या करें, धन तो नहीं आ रहा तो क्या करेंगे। किसी भी शनिवार को काले रंग का कपड़ा लेना है, जो नया हो आपके पास उपलब्ध है उसको ले लीजिएगा। अब धागे पर जो है थोड़ी सी धागे वाली फिटकरी ले करके बांध करके और अपने घर के ऑफिस के बाहर जो है बाईं तरफ गेट के जो है, या स्कूल में आप रह रहे हैं वहाँ पर जो है वहाँ पर रख दीजिए। और इसको जो है जब इसका कलर चेंज हो जाए तब इसको जो है गंदे नाले में डाल देना चाहिए। जीवन के जो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं, कई बार कोई भी जो है आप कार्य सोचते हैं वो पूरा नहीं होता, तब एक पान का पत्ता लीजिएगा और उस पर जो है फिटकरी रख करके थोड़ा सा सिंदूर डालिए और उसी के नीचे रख दीजिए। कोई भारी वस्तु रख करके ऊपर से दबा दीजिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कह करके भारी वस्तु रखिएगा, आपकी जो है प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन रहती है कि कई बार रात में नींद नहीं आती। सोने से पहले तकिए के नीचे अगर पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है तो बहुत ही सरल सा प्रयोग हम बता रहे हैं, बेडरूम पर जो है फिटकरी की जो दाढ़ी बनाने लगते हैं रखते हैं आप लोग, उसके बारे में जान लीजिए। उसका कलर अगर चेंज हो रहा है तो फिर पानी सा हो रहा है तो उसको जो है टॉयलेट में फ्लश में डाल दीजिए या गंदे नाले में डाल दीजिए। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो प्रॉब्लम है वो सब समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बता दें जो बहुत ही हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो उसको जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो है हमारे चैनल को आप जो है प्रमोट करते हैं, इसी वजह से हमारा चैनल जो है चल रहा है। तो हम और आपको बताते हैं कि इससे कैसे नज़र दोष से बचते हैं, कैसे ये जो है तंत्र मंत्र की क्रियाओं में कैसे बचाव अपना किया जा सकता है। फिटकरी जो है बहुत ही कारगर होती है, इसके बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, पर हम थोड़ा सा ही आज आपको बता रहे हैं। इसके जो है तकिए के नीचे अगर रख लिया जाता है जीवन के जो है हर परेशानी दूर हो जाती है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव ठीक हो जाता है। नहाने के पानी में डाल करके अगर आप जो है इससे नहाते हैं आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, शरीर पर एकदम से जो है जो आपके अंदर निगेटिव एनर्जी है वो सब शांत हो जाएगी। कई बार कहते हैं कि आपने सुना होगा कि नज़र लग गई है, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि नज़र लग गई है। अब ये नज़र क्या होती है और कैसे प्रयोग होता है, आपको बुरे से बुरे परिस्थितियों से कैसे निकालेगा, आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा। आखिर ये नज़र जो है लगना क्या चीज़ होती है, नज़र दोष क्या होता है, तंत्र मंत्र टोने टोटके क्या होते हैं, दुनिया में जो है कैसे काम करती है और उनमें से एक है और हमारी ओर जो है ये हमारी शब्दों से बनती है। अपने शरीर पर आम तौर पर सकारात्मक ऊर्जा जो है होती है, लेकिन कभी कभी यही चीज़ अगर निगेटिव हो जाए तो हमारी जो है परेशानी को बढ़ा देती है। जब किसी की सोच में, किसी का स्वभाव और हमारे संपर्क से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ने लगता है तब हम उसे कह देते हैं कि नज़र लगने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और हमारी सोच जो है प्रभावित हो रही है,
क्योंकि हमारे प्रगति को नज़र जो है रोक देती है, प्रगति में रुकावट डाल देती है। और जब काम में रुकावट आती है तो एकदम से बिना कारण सब कुछ समाप्त होने लगता है, सब कुछ ख़त्म होने सा लग जाता है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, और कभी कभी जो है पागलपन के शिकार हो जाते हैं। और इसका कारण भी अगर पता चले तो पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए हमेशा जो है नज़र दोष बचने का प्रयास करें। जब घर में नज़र दोष की समस्या हो तो क्या होता है, कैसे बचें? घर में जब नज़र दोष हो जाता है तो बिना कारण घर जो है भारी भारी सा लगना लग जाता है। घर में आपका मन नहीं लगेगा, हमेशा बाहर ही अच्छा लगेगा, क्योंकि घर में आते ही दिमाग आपका बोझिल हो जाएगा, बहुत जैसे दिमाग पर बोझ पड़ा हुआ है ऐसा लगने लग जाएगा। और घर के परिवार में आपका कलह कलेश होने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। और घर पर अगर नज़र दोष है तो बीमारियों पर जो है धन खर्चे होने लग जाता है। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि नज़र दोष होने पर बार बार आपकी रोजी रोटी समाप्त हो जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, उतार चढ़ाव बढ़ जाता है, शत्रु हमारे को बहुत परेशान करते हैं। ख़ास तौर पर रात को होते होते आपको ऐसे लगेगा कि आपके शरीर में जान ही नहीं है। जब ऐसा आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर की एनर्जी ख़त्म हो गई है, आप बीमार हो गए हैं, घर परिवार में बच्चे भी झगड़ा करेंगे, और आप तब क्या करेंगे? प्यार कहीं खो गया है ऐसा ही मन में सोचेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके घर परिवार पे किसी की नज़र लग गई है, बहुत बुरी नज़र लगी है। अब क्या करेंगे, कैसे इससे निकलेंगे? घर में कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं होने देना है घर में, क्योंकि यह जो है निगेटिव एनर्जी को बढ़ाती हैं। और घर में पूजा स्थान पर रोज़ शाम को एक जो है दिया ज़रूर जलाइए, भगवान का नाम लीजिए, परमात्मा का नाम लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका जो है सुबह शाम घर में दीपक जलाते समय माँ शेरावाली को याद कीजिए, और इस पे जो है एक माता का जयकारा बनता है। और इसी बात पर जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप जय माता दी लिखिए, धूप बत्ती जलाइए, और बढ़िया सा रहेगा घर। अपने जितने भी दरवाजे हैं उसमें सिंदूर की मिक्स करके, सिंदूर में थोड़ा सा सरसों का तेल मिक्स कर लीजिएगा, और उसी से एक स्वास्तिक बना दीजिए। आप चाहें तो लाल कागज़ या स्वास्तिक भी जो है ले सकते हैं, उसको चिपका दें। दोनों तरफ जो है रखना चाहिए, इसको दोनों तरफ लगाना है। और जो स्वास्तिक हो उसमें दो जो साइड में लकीरें लगती हैं वो जो है लगाना चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक दिन घर में सुंदर कांड का पाठ करें, फिर आप चाहें तो राम रक्षा स्त्रोत्र या फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं। रोज़ सुबह हनुमान चालीसा पढ़ करके दिन की शुरुआत करें। घर परिवार में नज़र दोष जो लगा हुआ है हट जाएगा। कैसे जानेंगे कि आपके काम में रोज़गार में नज़र लग गई है? और अगर नज़र दोष हो तो क्या करेंगे? अगर आप रोज़गार पर किसी की नज़र लग गई है, आपका रोज़गार जो है ख़राब हो रहा है, बार बार नौकरी छूटती है, आप अगर व्यापारी हैं, आपके बार बार पैसे फंस जाते हैं, माल स्टॉक हो जाते हैं और सामान ख़राब हो जाता है, कारोबार पर नज़र दोष के कारण से आपका व्यापार ठप हो जाता है, बिना कारण किसी के घर जब ऐसा होने लगे, व्यवसाय बंद हो जाए, तो इसका मतलब है आपके व्यापार पर, आपके रोज़गार पर किसी न किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू टोना करा है, कोई किया कराया हो गया है। और हो सकता है यहाँ पर आपसे बेईमानी भी करें, बार बार नौकरी छूटे, या ऐसा करेंगे कि एक फिटकरी का टुकड़ा लीजिए और अपने व्यापार स्थल पर कहीं भी साइड में रख दीजिए, कांच के बर्तन में रखिएगा। और ये फिटकरी जो है 15 दिन में, एक महीने में जब आपको लगे कि उसका कलर चेंज हो रहा है तो गंदे नाले में फेंक देना चाहिए, और फिर से जो है उसको फ्रेश वहाँ पर ला करके रख देना चाहिए। और जो लोग नौकरी करते हैं वह क्या करेंगे, अपने बाएं हाथ की जो है मिडिल फिंगर में एक जो है लोहे का छल्ला, अगर बेड़ी का कील का जो है छल्ला मिल जाए, जिसको हम नाव कहते हैं जो नदिया में चलती है, उसको अगर उसी की कील का अगर एक छल्ला बनवा लिया जाए, और वो जो है घर पर अपने ला करके गंगा जल में शुद्ध करके उसको पहना जाए, और जब घर परिवार में सुख शांति होने लग जाए, परमात्मा का नाम जपिएगा, थोड़ा सा गुड़ खा करके जहाँ तक हो सके सवेरे निकलिए, और संभव हो तो साफ़ सुथरा जो है रहिए, और अपने को व्यस्त रखिए, कारोबार एक स्थान पर करिए,
और परमात्मा का ध्यान कीजिए। एक हनुमान जी का लाल रंग की तस्वीर या मूर्ति जो है अपने ऑफिस में स्थापित कीजिए, उन्हें लाल रंग का गुलहर का गुराब की पंखुड़ी जो अर्पित करें तो नज़र दोष समाप्त हो जाता है। और अगर आपके पास संभव हो तो शंख में जल भर करके उसमें जो है पूरे कारोबार स्थल पर अंदर बाहर छिड़काव करें और जो है दरवाजे के दोनों साइड में स्वास्तिक का निशान बनाएं। सिंदूर और सरसों का तेल मिक्स होना चाहिए, ऐसा हम बार बार आपको बता रहे हैं। हमारे चैनल को आप जो है ध्यान से देखिएगा, इसमें छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जो आपके जानने लायक हैं। तो जो है वो स्वास्तिक के साथ में दो खड़ी खड़ी रेखाएँ दोनों तरफ ज़रूर दीजिएगा और साथ ही जो है आम के पत्तों का बदनवार लगाइए, जो पत्ता जो है दरवाजे के आगे बांध देते हैं। हर सप्ताह जो है चेंज करें, कभी कभी किसी व्यक्ति को नज़र लग जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा, दवाइयां काम नहीं करेंगी, बेवजह आप बीमार रहेंगे, आप जो है समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा मन शांत है, ख़राब है, चिल्ला रहे हैं, घर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तब इसका मतलब यही होता है कि किसी की बहुत बड़ी नज़र लग गई है। और जब ऐसा सोच लें आप तो जो है महिला हो या पुरुष तुरंत ही थोड़े से बाल कटवाने चाहिए, अगर पुरुष हैं तो शेविंग करें और स्त्री हैं तो थोड़े से बाल काट लीजिए, उसके बाद में जल में केवड़ा जल डाल करके नहा लें। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते डाल करके भी नहा सकते हैं। इसके बाद लाल मिर्च के बीज दांतों से अच्छे से काट करके नज़र दोष समाप्त कीजिए और अपने साथ ही जो है अपने घर परिवार में डाइनिंग एरिया में कांच की एक जो है कटोरी लीजिए, उसमें जो है फिटकरी रखिए, उसमें जो भी आप लोग सुरक्षित रहेंगे, आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आपके ऊपर किसी की नज़र नहीं लगेगी, कोई तरह की परेशानी आपको नहीं परेशान कर सकेगी। आप जो है फिटकरी रख करके देख लें और नौकरी और रोज़गार आपका जो है चलने लग जाएगा। और आप समझ में जब नहीं आ रहा हो कि आप क्या करें, कैसे ठीक करें, तब एक छोटा सा ही काम कीजिए कि शनिवार को या जो है बुधवार की शाम को दिन में ये प्रयोग जो है कर लीजिएगा। आप एक पान का पत्ता लीजिए, छोटे छोटे 5 फिटकरी के टुकड़े लीजिए और उसमें चुटकी भर सिंदूर डालिए और जा कर के पीपल के नीचे उसे किसी भारी वस्तु से उसको दबा दीजिए, ईंट वगैरह से, और बिना पीछे मुड़े घर चले आएँ। आज के लिए बस इतना ही है। अगर दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महालक्ष्मी आप लोगों के ऊपर जो है कृपा दृष्टि बनाए रखें, लक्ष्मी नारायण जो है आपका कल्याण करें, भोलेनाथ जो है भंडारे भरें। बोलो शंकर भगवान की जय।